नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अगला एग्जांपल। ये एग्जांपल हमने लास्ट डीपीपी में भी सॉल्व किया था, ठीक है। उस समय आपका वहां पे एनोड मोल्स को लेके कहानी पूछी गई थी। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स हम वन मान के बता सकते हैं कि भाई आपका क्या एक्सप्रेशन रहता है इसमें। तो यदि हम देखें यहाँ पर कि भाई ये N2O4 कन्वर्ट हो रहा है NO2 गैस में, यदि हम इनिशियली मान लें कि भाई हमें तो अल्फा और केपी के बीच में एक्सप्रेशन बताना है, तो मान लीजिए टी इक्वल टू जीरो पर यदि मैंने इसके मान लिए 1 मोल है, तो एट इक्विलिब्रियम कितने मोल्स हो जाएंगे? मान लिए 1 माइनस अल्फा, अल्फा यदि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, अल्फा मोल डिसोसिएट होते हैं, तो NO2 मोल्स कितने बनेंगे? 2 अल्फा, ठीक है। तो टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम हमें कितने मिले? टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितना आ जाएंगे? 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा, यानी कितना आ गए? 1 प्लस अल्फा। तो यदि हम यहाँ से देखें कि पार्शियल प्रेशर जो होता है हमारा, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस कैसे निकलता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनटू टोटल प्रेशर। तो यदि हम यहाँ पे देखें कि भाई आपका पार्शियल प्रेशर NO2 गैस को लेके आप कैसे लिखेंगे, तो NO2 के मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? उसे खुद के मोल अपॉन टोटल मोल इंटू टोटल प्रेशर, मान लीजिए पी है। सिमिलर यदि हम बोले पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 कैसे लिखा जाएगा भाई? उसका मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ N2O4 इंटू टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन ऑफ N2O4 क्या होगा? सो खुद के मोल 1 माइनस अल्फा अपॉन टोटल मोल इंटू प्रेशर। ये जब हम केपी लिखेंगे इसके लिए, तो वहां पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो इस रिएक्शन के लिए केपी कैसे लिखा जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 का होल स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4। तो इस रिएक्शन के लिए केपी क्या लिखा जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4। तो यदि हम इसके लिए लिखते हैं केपी, तो क्या आ जाएगा? ये 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू पी होल स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 क्या होगा? 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू पी। तो केपी की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये 4, कैलकुलेशन करनी है, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू पी, मल्टीप्लाई करो, रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 अल्फा स्क्वायर इंटू पी। तो केपी इक्वल टू केपी अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा स्क्वायर पी। यहाँ से यदि हमने अल्फा स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या आएगा? केपी प्लस 4 पी। तो अल्फा इक्वल टू क्या आ गया? तो अल्फा इक्वल टू क्या आ गया? केपी अपॉन केपी प्लस 4 पी, इसका अंडर रूट ले लीजिए, ये आपके पास आ गया अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। लास्ट जो डीपीपी थी उसमें सेम तरीका एप्लीकेबल किया है, बस वहां पर हमें बोला जा रहा था कि इसके इनिशियल मोल जो है वो एनोड मोल्स लेके हमने किया था, कि 1 मोल मान लिए यहाँ, तो हमने वहां पे हमें बोला जा रहा था कि आप एनोड मोल्स आपको गिवन है, उससे हमने किया था, ठीक है। तो सिंपल सा तरीका है, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ खास है नहीं, ये आपका बोल लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम ध्यान रखेंगे कि भाई इस पर्टिकुलर केसेस में हम किस तरीके से कहानी में आगे बढ़ते हैं। बच्चों को बार बार आप कराइएगा कि आप इनिशियली मोल खुद से मान कर सकते हैं, जब भी केपी की बात आ रही है तो प्रेशर तो हमें पता नहीं है, तो हम पार्शियल प्रेशर किस तरीके से लिखेंगे? तो पार्शियल प्रेशर आप मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर की फॉर्म में लिख सकते हैं।